सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज की सारी वीडियो में हम लोग दोबारा से आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। और लास्ट टाइम हमने फाइंड की थी एक माइनशाफ्ट जो कि देखने में तो छोटी सी थी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाया था, मेरे को पहले ही क्रिएपर ने मार दिया था। मगर आज मैं उस केव में जाकर ही रहूँगा और जाऊँगा तो वहाँ से बहुत सारा आयरन भी लेकर आऊँगा क्योंकि मुझे आज बनाना है अपना पूरा का पूरा फुल आयरन का आर्मर, क्योंकि ये जो मेरा आर्मर स्टैंड है वो बेचारा खाली पड़ा है। और अभी जो आप मेरे हाथ में ये एन्चेंटमेंट बुक देख रहे हो, ये मेरे को फिशिंग करते हुए मिली है क्योंकि मैं जो अपनी एक्सपी रिकवर करने के लिए फिशिंग कर रहा था उसमें से मेरे को ये सारी बुक्स मिल गई। तो अभी मेरे पास इतना ही सामान है जिसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ, वरना इस बार मर गया तो मेरा सारा का सामान फिर से चला जाएगा। तो अभी मैं सारा का सारा अपना सामान रख देता हूँ, चाहे वो फालतू हो चाहे ना हो। तो मैं ये बोतल रख देता हूँ और ये सब भाई फिशिंग में मिलता रहता है। फिशिंग बहुत अच्छी चीज़ है मगर फिर भी ये फालतू सामान अभी मेरे को मिला है। और धनुष मैंने बनाया था ऐसे ही फालतू काम के लिए, और ये फिशिंग रॉड, और बस पिकैक्स मेरे पास आनी चाहिए और खाना, लेकिन पिकैक्स के साथ साथ स्वॉर्ड भी चाहिए होगी, मगर मैं पिकैक्स लेता हूँ। और अब चलते हैं बिना किसी देर के उसकी माइनशाफ्ट के अंदर। तो अभी मैं अपने घर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कर दिया बहुत बड़ी पागलपंती, मैं अपनी स्वॉर्ड लाना तो भूल ही गया। मैंने आपको बोला था स्वॉर्ड लाने के लिए लेकिन मैं लाया नहीं, और टॉर्चेस भी लेनी होगी क्योंकि मुझे आगे जाना है ना भाई, ऑब्वियसली जहाँ पे मैंने टॉर्च लगाई थी उसके आगे जाना ही है, तभी तो टॉर्च लेके जाऊँगा ना। तो अभी मैं टॉर्च ले लेता हूँ और अपनी स्वॉर्ड ले लेता हूँ। तो मैंने ले ली है टॉर्च, और स्वॉर्ड भी तो लेनी है भाई, स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे उस केव के अंदर जाकर। तो ये मैं आ चुका हूँ उस केव के अंदर, ये मैं कोबल स्टोन तोड़ता हूँ, चलता हूँ सीधा नीचे। और मैंने स्वॉर्ड भी ले ली है, वैसे मैं आपको दिखा नहीं पाया मगर यहाँ पर ये कोल वोल तो छोड़ो, रहने दो, मैं डायरेक्ट अभी नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे नीचे ही काम है, माइनशाफ्ट नीचे ही है। और वहाँ पर भाई इस बार दूर से ही देख लेता हूँ, मॉब्स वॉब्स तो नहीं है, कोई है नहीं। पहले मैं पहले टॉर्च लगा के जाऊँगा अब ज़रूर। और यहाँ से इतना इधर आया, फिर अभी ये जो मैं साइड से कोबल स्टोन लगा के ऊपर चढ़ा था उधर से, देखो भाई मैं आया नहीं पहले, यही आ गया, फट ले भाई तू। तो ये भी फट चुका है, अब मैं सेव हूँ थोड़ा सा, तो क्योंकि ये पहले ही फट गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और क्रीपर से सामना करने की। लेकिन यार इधर से टॉर्च भी तो नहीं लग रही है, मैं साइड से, हाँ इधर से मैं ऊपर चढ़ा था तो मैं इसी के ऊपर चढ़ के अब उधर जाकर टॉर्च लगा देता हूँ। मेरे को यहाँ पर यार कहीं भी हाथ नहीं पहुँच रहा यार, तो अभी मुझे इस कोबल स्टोन को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोबल स्टोन है, 10 कोबल स्टोन है जो कि काफ़ी है। अभी मैं इधर से इसको लगाते हुए चलता हूँ, ये मैंने लगाया 1, 2, 3। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने तो अपनी सारी इन्वेंटरी खाली कर दी थी, तो फिर मेरे पास ये कोबल स्टोन कहाँ से आया? तो ये कोबल स्टोन ना मेरे पास तब आया जब मैंने अपने जहाँ से मैं चढ़ा था, तो वो सारे कोबल स्टोन तो मैंने तोड़े, तो इसलिए मेरे पास ये कोबल स्टोन आ गए। और मैं यहीं से नीचे चले जाऊँ क्या? हाँ यहीं से मैं नीचे चले जाता हूँ, बस आस पास के मॉब चेक कर लेता हूँ कोई है तो नहीं। अभी तो भाई कोई दिख नहीं रहा है। ये मैं भाई ये सामान कैसे रह गया मेरे से? मैंने सारा का सारा अपना सारा सामान उठा लिया था मगर ये थोड़ा सा रह गया था, कोई बात नहीं, ये स्टिक्स हैं थोड़ी सी, सारा मैं उठा लेता हूँ। और अब चलते हैं हम के माइनशाफ्ट के घूमने, लेकिन सामने वाले में मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, मैं थोड़ी पहले आसपास का एक्सप्लोर कर लेता हूँ ये वाला जैसे कि। और इधर इस तरफ क्या है, इस तरफ भाई खुला एरिया, इधर भाई अबे यार ये आने लगा, देखा नहीं पहले आ गया। अब इसको मार देता हूँ मैं, ये वैसे तो इसको मार सकता हूँ आसानी से, बस क्रीपर आ जाता ना भाई, क्रीपर फट जाता है तो उसको मैं मार नहीं पाता। और भाई चेस्ट मिली है मेरे को, कोल है, इसके अंदर नेम टैग, भाई नेम टैग अच्छी बात है क्योंकि नेम टैग वैसे कभी मिलता नहीं, हम क्राफ्ट भी नहीं कर सकते, या तो फिशिंग में मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, या फिर डेजर्ट उसमें मिल सकता है टेंपल में। और इधर भाई नहीं 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 नहीं, इधर तो यार स्पॉनर पड़ा है पूरा, स्पाइडर मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी। अभी भाई इधर स्पॉनर है, इधर नहीं जाने वाला, मैं अपनी एक्सपी उठा लेता हूँ। और कोई नहीं है इधर, अभी मैं भाई इधर तो नहीं जाने वाला क्योंकि वहाँ पर स्पाइडर स्पॉनर है, अभी मैं इधर से ही जाऊँगा। तो इधर से जाकर मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा आगे, भाई अंधेरा तो हो रहा है, कोई है तो नहीं ना भाई, बता दो पहले ही हो तो। ये इधर भी कोई नहीं है भाई, सही है, इधर सेफ एरिया है, कोई नहीं है इधर भी। और भाई आयरन्स, तो भाई हमारे पहले आयरन्स हमें सामने मिल गए हैं, और ये मैं तोड़ लेता हूँ सारे के सारे, कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई इधर और है यार, एक और बस, और नहीं बस, कोई बात नहीं भाई, गरीब हूँ इतना ही रहने दो, दे दो। और आगे भाई इधर भी आयरन, यार आयरन तो बहुत है भाई, इधर सारा का सारा मैं तोड़ कर ले जाता हूँ। अभी मैं आपको मिलता हूँ सारा का सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद। तो इस जगह का मैंने सारा का सारा आयरन कलेक्ट कर लिया। भाई एक और चेस्ट है यार इधर, तो भाई चेस्ट बहुत सारी है इस गेम में माइनशाफ्ट। भाई इधर भी इंजन में पावर वन की बुक है, अभी मैं हमको मिली है, वैसे भी काफ़ी है भाई, पावर वन बो में लग जाता है, अच्छी बात है। और आगे कुछ अंधेरा बहुत है भाई, भैया किसी मॉब की साउंड आ रहा है भाई, क्रीपर है भाई सामने, ज़ॉम्बी है, ये तो दिख नहीं रहा यार अच्छे से। अभी तू निकल ना भाई, पहले टॉर्च लगाने दे मेरे को, हट साले, निकल ही जैसे भाई, मैं टॉर्च लगा रहा हूँ, ये मेरे पीछे पड़ गया है, कुछ बोल नहीं रहा था भाई कुछ भी। अभी सामने देख लेता हूँ भाई, सामने कोई है तो नहीं, मगर
भाई आपको साउंड नहीं आ रही होगी माइनक्राफ्ट की, मेरे को आ रही है, मगर वो जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें अच्छे से साउंड नहीं आया है, तो वो मैं ओ भाई साहब यार हमको गोल्डन एप्पल मिल चुका है यार, तो भाई मैं साउंड नहीं रिकॉर्ड कर पाया उसके लिए माफ़ करना, लेकिन अभी हम ब्रेड भी मिल गया हमको, फालतू ब्रेड भी ले लेते हैं वैसे काम आ जाएगा, और कोल सारा कोल भी ले लेता हूँ मैं, और टॉर्चेस तो भाई मेरे पास एक स्टैक हो चुकी है, मैं टॉर्चेस नहीं लेने वाला, तो ले लेता हूँ कोई बात नहीं भाई, गरीब आदमी हम भी ले लेते हैं, और इस तरफ भी कुछ दिख तो नहीं रहा, वैसे मैं इस तरफ अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, पहले राइट साइड जाते हैं, और इधर भी टॉर्च लगा दो, मेरी टॉर्च अभी ऊपर जाने दो ना भाई, क्या ट्रक रहा है ऊपर भाई, खुदा हुआ तो है, जाने दो ना जा भाई, मैं तो इधर से ही जाऊँगा, निकल गया तो, और कुछ है नहीं यहाँ पे, आयरन भाई मैं चेक भाई मिल गया ना, चेक करते करते इसलिए चलना चाहिए, तो अभी मेरे को यहाँ पे भी आयरन मिल चुका है, मैं ये भी तोड़ लेता हूँ इधर भाई, बस चार पाँच अबे भाई और है यार, तो ये भी तोड़ लेता हूँ, और अंदर नहीं है, एक और बचा है इसको भी तोड़ लेता हूँ बस, तो है भाई इतने ही आयरन थे इधर, और यहाँ पे बहुत सारे भाई आयरन यार इसके में बहुत सारे मिल गए मेरे को इधर, भाई आगे भी है इधर लेफ्ट साइड भी है, ये मैंने तोड़ा और ये रहे, और नीचे भाई नीचे की तरफ भी है यार, एक ही है बस, मगर ये एक से मेरा क्या होगा यार, हाँ नीचे भी है ना, इसको भी तोड़ लेता हूँ, और बस दो इधर हैं और एक उधर मिल गया, आगे अंधेरा है मगर जाऊँगा मैं ज़रूर, जब तक ये केव ख़त्म नहीं होती भाई, इस साइड मेरे को बहुत सारे आयरन मिले हैं, बस ख़त्म, चलो भाई वापस चलते, ख़त्म हो गई ये केव तो, और ये टॉर्च में तोड़ लेता हूँ, लेकिन लगा देता हूँ भाई, अंधेरा रहता भाई ऊपर और आयरन है यार, कोई बात नहीं भाई, मेरे को बहुत सारा आयरन मिल चुका है इधर से ही, शायद मेरे पास लगभग एक स्टैक तो नहीं होगा अभी, लेकिन फिर भी 50 नहीं 40 हो गए होंगे, 40 भी नहीं भाई, बहुत कम हुए हैं अभी तो, भाई इधर भी आयरन में सारा छोड़ के जाने वाला था, मगर अच्छा मैं उठा लिया, और ये एक और है, इसको भी भाई तू हट जा, टॉर्च में लगा लेता हूँ कहीं पे, वरना अंधेरा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, और ये भी ऊपर का भी तोड़ लेता हूँ, सारा का सारा मैं आयरन तोड़ कर ले जाता हूँ सीधा घर, तभी मैं आपसे मिलता हूँ घर पे जाने के बाद, लेकिन उससे पहले आसपास और आयरन ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मैं वापस ही जा रहा हूँ तो, और इधर इस राइट भाई क्रीपर है इधर, तो आ जा, मर, अबे भाई गेम लैग हो गया भाई, बे यार मैं मर गया यार, गेम लैग हो जाता है, हट भाई गेम लैग हो जाता है यार, गुस्सा आता है, मैं सो जाता हूँ, चलो सुबह चलेंगे केव में, और मैं दोबारा आ चुका हूँ केव में, मैं भाई जल्दी जल्दी जाने वाला हूँ इधर, अभी मेरे को नीचे जाने हैं, अब मेरे को अपना सारा सामान उठाना है भाई, मेरा इतना सारा सामान था यार, हो सकता है भाई वहीं पर पड़ा हो ना भाई, नहीं हुआ तो मेरी तो किस्मत फूट जाएगी, तभी मैं डायरेक्ट चलता हूँ नीचे, वो देखो भाई मेरे को सामने अपनी एक्सपी दिख रही है, और इधर भी आयरन है भाई साहब, मैं तो इसको छोड़ के ही जाने वाला था, तभी मैं अपना सारा का सारा सामान उठा लेता हूँ, और कोई है तो नहीं भाई, मेरे को पीछे स्काइलेटेड का साउंड आ रहा था, तो इधर कोई है क्या, नहीं है भाई, तो अभी मैं अपनी टॉर्च हाथ में लेके आगे चलता हूँ, आगे भाई अपना सारा का सारा सामान तो मैं उठाने ही वाला हूँ आगे, भाई ये केव बंद हो गई इस तरफ की, सही है मेरे को आगे नहीं जाना पड़ेगा, वरना भाई देख लेता हूँ पहले, आगे कुछ नहीं है बस, और इसके उस साइड वाले में मैंने आयरन देखा था, इधर चेस्ट तो मैंने लूट चुका हूँ भाई, मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, अब चलते हैं आगे वाली चेस्ट में, इसमें सारी टॉर्च लेता हूँ, क्योंकि टॉर्च नहीं यार मेरी टॉर्च एक स्टैक है, और इधर भाई आयरन है, सारा का सारा आयरन लेता हूँ, लेकिन आगे भी टॉर्च लगा देता हूँ भाई, मैं ज़्यादा लालच अब नहीं करने वाला, क्योंकि मैं मर चुका हूँ एक बार, तो अभी मैं सारा का सारा ये आयरन तोड़ कर मिलता हूँ आपसे सारा का कलेक्ट करने के बाद, तो यार इधर का तो मैंने कलर कर लिया, लेकिन मेरा मन कर रहा है आगे जाने का, भाई आगे तो स्पॉनर है भाई, अब क्या करूँ, और लेफ्ट साइड में आयरन भी है, लालच आ रहा है यार का, मगर भाई मैं लेने वाला हूँ आयरन, इनसे थोड़ी डरूंगा यार इन स्पाइडर से भाई, लेकिन ये पॉइजन इफेक्ट दे देते हैं, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये आगे ही नहीं आ पाएंगे ना, अब मेरी वुड खत्म हो गई भाई, थोड़ी और मिल जाए तो, हाँ इसमें समय स्टोन तो मेरे पास पड़े हैं, मैं सारा सारा लगा देता हूँ भाई, मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ बोलने में, उसके लिए सॉरी यार, तभी ये आयरन ये भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ सारा का सारा, और इधर भी बहुत सारा, चार आयरन है बस, ज़्यादा नहीं है, इधर भाई केव स्पॉनर में को कॉब वेब दिख रहे हैं, और इधर और है थोड़ा सा, तो ये दो भी मैं उठा लेता हूँ, तो अब मेरे पास हो चुके हैं 52 आयरन इंगट, और ऊपर भी है भाई, रहन दो भाई मेरे को लालच नहीं करनी है, मेरे को चलना पड़ेगा सीधा सीधा, और अगर रास्ते में कोई मिल जाता है तो मैं उठा लूँगा आयरन, जैसे कि ये रहा भाई, मैं ये सारा भाई छोड़ के चला जा रहा हूँ, साइड में देख भी नहीं रहा भाई, अभी अबे भाई इधर तो और है, अभी मेरे को घाटा पड़ जाता भाई मेरे को बहुत सारे आयरन का, और ये सारा मैं उठा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे भाई, इस बार मैं सीधा घर ही जाने वाला हूँ, इस बार मैं कहीं नहीं रुकने वाला, बेहार हो रहा है नैने, तो अभी हम बिल्कुल सही सलामत आ चुके हैं अपने घर पर, तो अभी चलते हैं घर के अंदर, और हम मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, अपना आयरन आर्मर बनाते हैं, इसको स्मेल्ट करते हैं, 60 आयरन है अपने पास,
और ये अभी क्राफ्टिंग टेबल क्यों खोल रहा हूँ मैं, अभी क्राफ्टिंग थोड़ी ना कुछ करनी है, पहले स्मेल्ट भी तो करना पड़ेगा ना भाई, तभी मैं सारा का सारा अपने आयरन लगा देता हूँ स्मेल्टिंग पे। फिर मिलता हूँ मैं आपसे आयरन स्मेल्ट होने के बाद। अभी हमारा 23 आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं और हमें आयरन बनाने के लिए चाहिए होगा 24, तो ये 24 अभी आ रहा है और ये हो गया स्मेल्ट। तो अभी हम बना लेते हैं तुरंत अपना आर्मर। सबसे पहले हम गए अपने क्राफ्टिंग टेबल में, भाई बहुत खुशी हो रही है यार। और ऐसे रख के हम बना लेते हैं अपना ये चेस्ट प्लेट और ये पैंट और ये हेलमेट और ये लास्ट बूट्स। तो भाई हमारा पूरा का पूरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है। और ये रहा हमारा पैंट भाई, सारा का सारा मैं पहन लेता हूँ। ये रहा मेरा बूट्स और ये है पैंट, चेस्ट प्लेट, हेलमेट। तो भाई मैंने अपना पूरा का पूरा आर्मर बना लिया है। देखो भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये देखो मेरी इन्वेंट्री में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फर्स्ट पर्सन व्यू से भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है टूल्स, तो अभी मैं अपने टूल्स भी बना लेता हूँ। मेरे लगभग एक पिकैक्स ही बनाई है अभी, तो भाई मेरा आयरन ख़त्म हो गया। तो मैं सबसे पहले अपने टूल्स बनाकर फिर आपको दिखाता हूँ अपना फर्स्ट पर्सन व्यू। और अभी मेरे पास भाई आयरन कम पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ना अभी एक एनविल भी बनाना है, जिसके लिए भी आयरन लगेगा भाई 30 शायद लग जाएगा, 28 और 4 भाई हमारा 32 आयरन लगेगा, लेकिन अभी मेरे पास कम पड़ रहा है आयरन। और ये मेरी स्वॉर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी मुझे बनानी है एक एक्स और शवल। शवल का क्या ही करूँगा भाई, रहने दो शवल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना फर्स्ट पर्सन व्यू। अभी तक तो मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका होगा, तो अभी मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। लेकिन यार अभी भी वो भट्टी जल रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उस वाले बैरल में होगी। इधर देखो भाई, ये रहा हमारा गोल्डन एप्पल, जो कि मैं वहीं से लाया हूँ। अच्छी भाई मेरे को वहाँ पे गोल्डन एप्पल मिल गया, लेकिन एंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिलता तो और अच्छी बात होती, लेकिन वो कोई बात नहीं भाई, गोल्डन एप्पल मिल गया वही अपने लिए अच्छा है। मेरे चेस्ट में क्या है, चेस्ट में भाई नेम टैग है, उसको मैं रखना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास तो एनविल ही नहीं है, कैसे रखूँगा। तो भाई इतना आयरन है मेरे पास, ये शायद कम पड़ जाए। नहीं यार मेरे पास 5 आयरन पहले के पड़े थे, जो मैंने लास्ट एपिसोड में लाया था वो मैंने लगा दिया, और वो मेरे पास इन्हें 5 आयरन हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।